बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखें जी। तो दो दिन गैर हाजिर थी, माजरत चाहती हूँ उसके लिए। वजह ये थी कि नेट अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो सकी। मेरी यूट्यूब फैमिली बड़ा इंतज़ार कर रही थी और मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप लोग, आपका व्लॉग क्यों नहीं आया। तो मैं हाज़िर हूँ जी आपकी खिदमत में नया ताज़ा तरीन व्लॉग लेके। सुबह का टाइम है, ये बच्चों के लिए लंच नाश्ता कर रही हूँ, साथ मेरी ग्रीन टी चल रही है जो मैं वेट लॉस के लिए यूज़ कर रही हूँ। किसी ने अगर वो नहीं देखी ग्रीन टी जो बनानी है, अगर आपने वेट लॉस करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप उसको क्लिक कर सकते हैं जी। तो ये नाश्ता लंच बच्चों का था, आलू का पराठा मैंने इनको बना दिया था नाश्ते में और अंडे का रोल मैंने बना दिया था इनको लंच में जी। तो बच्चों के जाने से पहले ही अरसलान ने सारा पानी डालना शुरू कर दिया था और मैं इनको यही कह रही थी कि आप पानी डालना तो आपने शुरू कर दिया है, पहले नीचे से पत्ते वगैरह कचरा तो उठाया ही नहीं हमने। तो बस उन्होंने ऐसे ही पानी डाल दिया था, जिसकी वजह से इतनी टेंशन, इतनी परेशानी हुई। ये गए बच्चे स्कूल तो मैं जूं काम पे लगी हूँ। अभी तो खैर मैं यहाँ बच्चों के शूज़ वगैरह साफ़ कर रही हूँ और बच्चों को भेजने का जो प्रोसेस है ना, अभी तो वही चल रहा है। तो बच्चों के शूज़ वगैरह साफ़ कर रही थी तो यहाँ पे बस मंतशा तो चली गई थी सफ़ा, एज़ यूजुअल आहिस्ता 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 पीछे चल रही होती है। तो सफ़ा को मैंने भेजा, इसको भेजने के बाद फ़ातिमा तो सोई हुई थी, क्योंकि फ़ातिमा का मैंने फीड छुड़वा दिया है ना, तो जिसकी वजह से अब वो रिलैक्स होकर आराम से सोई रहती है, तंग भी इतना नहीं करती मुझे। तो मैंने क्या किया, अब सबसे पहले पाइप मैंने सीधा कर लिया, क्योंकि ये पाइप जो है ना काफ़ी दो तीन जगह से डैमेज है और इसको मैं इस गटर पर इसलिए रखती हूँ कि अगर इसमें से एक्स्ट्रा पानी अगर ड्रिप हो ना तो वो गटर के अंदर जाए, पूरा हमारा कार पोर्च गंदा ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पौधों को नहला धुला रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अरसलान अक्सर मुझे कहते हैं पास ही स्विच बोर्ड है और तो मैं ऐसे पानी डालती हूँ, कहीं अल्लाह ना करे कोई और मसला ना हो जाए। कहते तो वो ठीक ही हैं, लेकिन इन बेचारों का क्या कसूर है, ये बार तो है नहीं कि इन पर बारिश बरसे, पानी बरसे। तो मैं इसलिए इनको खुश करने के लिए ना ये छोटी सी एक नेकी का काम है, ये लाजमी करती हूँ। मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इन गमलों में पानी नहीं डालती, ऐसे ही इनको शॉवर कर देती हूँ ना, तो जो खुद पत्तों से टपक के जाता है ना पानी, उसकी बात ही वही और होती है जी। तो यहाँ पे पीछे गली में भी जो वॉशिंग मशीन के साथ पीछे गली है, ये भी मैंने ऐसे धो ली है। आप लोग कहेंगे कि पानी इतना खुला मैं यूज़ कर रही हूँ तो उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हम इधर DHA में रहते हैं तो इसके मेंटेनेंस के हम 10,000 से भी ज़्यादा, कभी 10,000 होता है कभी 12,000 होता है, तो मेंटेनेंस हम पे करते हैं बिल्स। तो ये 3 घंटे के लिए पानी ये लोग देते हैं, उस 3 घंटे में आप अपना टैंकी वगैरह फुल कर सकते हैं, टैंक फुल कर सकते हैं, और अगर आपने धोना धुलाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मौका गनीमत जाना, मैंने आज बहुत टाइम हो गया मैंने अपने पौधों को नहलाया धुला नहीं था और दीवारें वगैरह नहीं मैंने धोई थी, शीशे नहीं धोए थे, क्योंकि आपको पता है मेरी हेल्पर पिछले 1 महीने से जा चुकी और मैं अब बाय माई सेल्फ आपकी पैन खुद काम करती है। तो फिर अल्लाह पाक आप सब बहनों को मेरे समेत सेहत ज़िंदगी दे कि आप लोग अपने घरों को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन और खुशगवार और पुरसकून बनाएं, आमीन। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सारा साफ़ सुथरा कर लिया है, पौधे शोधे तो ता छुड़न सारे मैंने, और जी फिर मैं अंदर आ गई थी। सबसे पहले मैंने क्या किया था, ये तकरीबन 8 बजे का टाइम था, मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो मैं अपना हेयर मास्क पहले बना लेती हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ अलसी ली है, 2 टेबलस्पून मेथी दाना लिया है और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ चावल लिए, यानी कि राइस। ये चावल जो मैंने लिए इनको पहले मैंने गर्म पानी से धो लिया था, नल से आ रहा था गर्म पानी तो मैंने उसको धो लिया, फिर गर्म पानी डाल के इसको मैंने सोक कर दिया था। उसके बाद मैंने कहा चलो हम नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता मैंने किया, अरसलान ने किया, और बस फिर मैं नीचे अरसलान के कपड़े जब इस्त्री करने गई तो मैंने कहा चलो हाथ के हाथ ना साथ बच्चों की भी कर लेती हूँ, उससे क्या होगा ना मुझे दूसरे दिन टेंशन नहीं होगी। औरतों ने इतने काम होने ना, इतने काम होने ना, बस कुछ ना पूछो। अच्छा यहाँ पे मैं दूध वाले से दूध ले रही हूँ क्योंकि अरसलान जा चुके थे। पूरी वीडियो अगर आपके साथ शेयर करूँ तो आप तो बोलेंगे पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बना छोड़िए पैडू मेरी, तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाती। छोटे छोटे क्लिप्स में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जो डे रूटीन थी वो कैसी गुजरी। अरसलान के कपड़े मैंने डाल दिए, अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये मोबाइल इतनी बड़ी मुसीबत है, इस मुसीबत से जान कैसे छुड़ाएं। तो मैंने इसको रखा और रख के इसके ऊपर बस हाथ रख दिया जी। तो वेलकम बैक, वो जो नुस्खा था ना पिछले वाला,
मोबाइल के ऊपर जो मैंने हाथ रखा है यानी कि बंद कर दिया, वो आप लोग के लिए था, क्योंकि अगर मैं इस तरह मोबाइल रख दूँगी तो आप लोगों से मेरा कनेक्शन टूट जाएगा। तो मुझे आप लोगों से कनेक्ट रहना है, इसलिए मैंने मोबाइल दोबारा से उठा लिया है जी। जब बंदा ख़ुद सफाई सुथराई करता है तो अपने कपड़े हैंग करना, बच्चों के करना, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे साइड टेबल्स पर अब कोई कपड़े नहीं होते, इसलिए कि मैं ख़ुद काम करती हूँ, अपनी चीज़ें साथ साथ मैं समेटती जाती हूँ, लपेटती जाती हूँ, घर को साफ़ करती जाती हूँ। टाइम तो ज़्यादा लगता ही है, किस काम में टाइम नहीं लगता, लेकिन जो खुशी और मुसर्रत इंसान को होती है, हम लेडीज़ को होती है, वो शायद ही किसी को होती हो। सफ़ाई मैंने यहाँ कंप्लीट कर ली थी और फिर अब मैं किचन की तरफ गई हूँ, तो किचन में जो भी आटा और इस तरह की चीज़ें जो बाहर पड़ी हुई थी वो सारी मैंने संभाल ली। अच्छा, आज मैं आपसे ना बालों के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये जी जो हेयर मास्क के लिए मैंने चीज़ें 3 डिप करके भिगो के रखी थी, इनको तकरीबन 2-3 घंटे गुजर गए चुके थे, ये 8 बजे से तकरीबन 12 बजे तक 4-1 घंटे हाँ ऑलमोस्ट गुजर चुके थे। फिर मैंने इनको छान लिया, छानने के बाद इसका पानी थोड़ा सा स्टिकी सा होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है आपके बालों की ग्रोथ के लिए और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये पानी आप एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें एलोवेरा जेल यूज़ करके डाल के आप 1 टेबलस्पून के करीब आप एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें शैम्पू डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने जैसे करना है आप कर लें। मेरे ख्याल में शैम्पू नहीं डालना चाहिए, आप मेरे बाल देख सकते हैं कितने रूखे हुए हुए हैं और मेरे हाथों पर नहीं जाना, मैंने अपने नेल पेंट रिमूव करना और नमाज की तरफ भी लौटना है इंशाल्लाह ताला, वो व्लॉग आपके साथ कल शेयर करूँगी। सो स्टे कनेक्टेड विद सुमैरा अरसलान। तो बाल मेरी हालत देख लें, बालों की क्या हो रही है, इतने रूखे और इतने बेजान हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ भी मैं शेयर करूँगी, ये मैंने लगा लिया हेयर मास्क और ये शेयर करूँगी कि अमूमन ये होता है कि हम लोग क्या नाम है कंडीशनर यूज़ करते हैं। अच्छा, कंडीशनर मैंने यूज़ किया था, अभी मेरे पास जो कंडीशनर उसकी जो एक्सपायरी ना 25 है, 25 में होगा वो एक्सपायर होगा, लेकिन अभी क्या है ना इस साल में मैंने ऑफ एंड ऑन यूज़ करती हूँ, मैं कभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, कभी कभी कर लिया, कहीं निकली कर लिया, कहीं दिल चाह तो कर लिया इस तरह, तो मेरे बाल उसकी वजह से ना इतने रूखे हो गए, इतने रूखे थे इतने अजीब से रफ बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कोई होम रेमेडी करने हैं अपने वाला वहाँ कुछ सीधा करने हैं, तो चलो मैंने कहा आपको भी शेयर कर दूं कि मैं क्या कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बाल डल भी होते हैं और थिन भी होते हैं और बेरौनके से भी होते हैं, तो उनके लिए ये वाली रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है। वो अगर हफ्ते में इसको एक मरतबा कंटिन्यू रखेंगे यानी कि महीने में 4 मरतबा अगर उसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो बस इंशाल्लाह गुड हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, मैंने वैक्यूम किया, वैक्यूम में 15-20 मिनट ही मुझे लगे होंगे, वैक्यूम करने के बाद मैंने यहाँ पर अपना सर धो लिया, ये तो मैं अपना एक वीडियो क्लिप शेयर कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ाइनल लुक मेरे बालों की, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तमाम बहनों बेटियों के बाल ऐसे ही चमकने चाहिए इंशाल्लाह ताला। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चों को खाना देने के बाद मैं ऐसी ही आई किचन में, तो मुझे फील हुआ जैसे बारिश हो रही, आनन फानन बादल आए, आनन फानन बारिश स्टार्ट हो गई, और जो कपड़े मैंने ड्राई करने के लिए लटकाए थे ना वो भी सारे गीले हो गए, ऐसी तेज़ बारिश स्टार्ट हुई है। जी तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइएगा। आप तमाम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।